हमारा उत्तर प्रदेश का बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। मुंबई ब्लास्ट का आरोपी कदीर अहमद गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर है, मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है कदीर अहमद, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजनौर के कलेदी ताल नजीबाबाद का रहने वाला है कदीर अहमद। 120B 121C के तहत मामले दर्ज है इस पर। तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं हम, कदीर अहमद की गिरफ्तारी हुई है, मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है ये। आपको यह भी बता दें कि कई धाराओं में इसके मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बिजनौर के कलेदी ताल नजीबाबाद का रहने वाला है और इस पर 120B 121C के तहत मामले दर्ज हैं। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की बिजनौर से आपको बता रहे हैं, मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है कदीर अहमद, जिसकी काफी समय से गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजनौर के कलेदी ताल नजीबाबाद का रहने वाला है। 120B 121C के तहत मामले इस पर दर्ज हैं। तो मुंबई ब्लास्ट का आरोपी कदीर अहमद गिरफ्तार हो गया, बिजनौर के कलेदी ताल नजीबाबाद का रहने वाला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुकी है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कदीर अहमद की है। मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है और इसकी गिरफ्तारी के लिए काफी समय से कोशिश की जा रही थी और अब आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हो गई है। 120B और 121C के तहत इस पर मामले दर्ज थे। नजीबाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है कदीर अहमद और आज इसकी गिरफ्तारी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कदीर अहमद की। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है कदीर अहमद, जो गिरफ्तार किया जा चुका है। बिजनौर के कलेदी ताल नजीबाबाद का रहने वाला है ये। 120B और 121C के तहत इस पर मामले दर्ज हैं। तो कलेदी ताल नजीबाबाद का रहने वाला है कदीर अहमद, मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है और काफी समय से इसकी तलाश की जा रही थी, इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी किए जा रहे थे और आखिरकार मुंबई ब्लास्ट का आरोपी कदीर अहमद गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त कदीर अहमद की। तो मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है कदीर अहमद, जो गिरफ्तार हो चुका है। बिजनौर से कदीर अहमद को गिरफ्तार किया गया है। कलेदी ताल नजीमाबाद का रहने वाला है और गुजरात के जामनगर से असल में एक गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ और जो वारंट जारी हुआ है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। यह कदीर अहमद है जिसकी गिरफ्तारी हुई है बिजनौर से, मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है शख्स और इसको बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया। अर्शद ज़ैदी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अर्शद, की गिरफ्तारी कब हुई, कहां से गिरफ्तारी हुई और इसके मुताबिक कितनी जानकारी हमारे पास फिलहाल? देखिए, ये मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है और गुजरात के जामनगर से इसका गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। पुलिस को काफी टाइम से इसकी तलाश थी, बिजनौर का ही रहने वाला है। आज बिजनौर से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है इसका, किस और कहां कहां इसका इन्वॉल्वमेंट है, किन किन संगठनों से ये जुड़ा हुआ है, ये तमाम तफ्तीश चल रही है। अर्शद, ये यहाँ पे कितने समय से था, क्या इसकी कोई और लिंक्स हो सकते हैं, कोई मॉड्यूल्स इसके अंडर थे जो काम कर रहे हैं, कुछ जानकारी फिलहाल? अभी अभी तफ्तीश चल रही है, पुलिस इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अर्शद, अभी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे कोई वन टू वन आपका हो पाया, किसी तरह की और जानकारी हमको मिल रही हो? नहीं, अभी कोई जानकारी किसी किस्म की नहीं मिल रही है। ठीक है, तो बड़ी खबर यही है कि सिर्फ गिरफ्तार किया गया, कुछ और एडिशनल जानकारी आना बाकी है।